पाकिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत है उसके अंदर बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे जिनको हाईलाइट करके हम जिनका किरदार बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इस जमहूरी सफ़र में इस पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती के लिए जिन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, उन्हीं में से एक शख्सियत है एतजाज़ हसन, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदारती उम्मीदवार के तौर पर सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नामजद किया है। एतजाज़ हसन साहब को अगर हम ये धरने के दिनों को याद करें तो एक बड़ा ही नाजुक मौका था जिसमें लगता था कि इमरान खान पूरे ज़ोरों के ऊपर है उनकी सियासत और पार्लियामेंट के सामने धरना सजा के बैठे हुए हैं। उस वक्त PMLN को बेल आउट करना और उस पार्लियामेंट को बचाना एक अवलीन तरजीह थी और उस मामले में जिस शख्स ने कलीदी किरदार अदा किया उनका नाम भी एतजाज़ हसन ही है। वो पार्लियामेंट का जो जॉइंट सिटिंग थी 7 दिन के लिए उसने पूरा उस धरने का जोर तोड़ा और जो फोकस था पूरा मीडिया का भी वो डाइवर्ट किया, डी चौक से पार्लियामेंट के अंदर की तरफ रुख हो गया। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं लेकिन बाकी अपोजिशन जमातें जिनको हम सोचते थे कि एतजाज़ हसन का नाम सामने आया तो बाकी सारे अपोजिशन वाले राजी खुशी सपोर्ट कर देंगे, वो हुआ नहीं है। PMLN भी पीछे हट गई। किसी ज़माने में PMLN को बड़े पसंद होते थे जब ये अदलिया बहाली की तहरीक में रुए रवान थे, उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब इनको बहुत पसंद करते थे लेकिन ना हमें मालूम नहीं है वो वजूहत जिस वजह से इनके इख्तलाफात पैदा हुए। अभी तो परवेज़ रशीद ने कह दिया कि माफ़ी मांगे आकर पहले तो फिर इनके लिए हम सपोर्ट के ऊपर गौर करेंगे। PMLN ने भी सपोर्ट नहीं किया और मौलाना फजल रहमान दूसरी जानब से उम्मीदवार आ गए। तो ये जो ट्राइंगुलर रेस है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाजे बरतरी हासिल है। नंबर्स में एक आध नंबर का पहले भी उन्हें एज हासिल था, सिर्फ एक चैलेंज ये दे सकते थे, मुश्तरक उम्मीदवार लाते, तगड़ा उम्मीदवार लाते, एतजाज़ होते तो शायद इन्हें वोट तोड़ने में वो लोग जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं PTI को, हो सकता है उसमें से एक दूसरी राय भी पैदा होती कि एतजाज़ साहब का माजी का जो सफ़र है उसको पेश नज़र रखते हुए एतजाज़ साहब को वोट देते हैं। बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन तहरीक इंसाफ के लिए बन सकती थी लेकिन अपोजिशन ने अपनी नाइतफाक़ी और जो उनके अंदर एक इस वक्त डिविजन मौजूद है उस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये रेस जो है, ये जो दौड़ है, ये जो मुकाबला है उसको आसान बना दिया।